इनर वही क्लब बिहार शरीफ के नए सेशन के शुभारंभ के मौके पर बिहार शरीफ स्थित डैफोडिल पब्लिक स्कूल में बच्चों के बीच हेल्थी डाइट के फायदे के उपलक्ष्य में एक सेमिनार का आयोजन करवाया गया। सेमिनार के स्पीकर के रूप में सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट चिन्मय कुमार देव को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने बच्चों को ज्यादा पानी का सेवन करने एवं जंक फूड से दूरी बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि एक अच्छा डाइट का पालन करने से वह कई बीमारियों से बचे रहेंगे। प्रतिवर्ष 1 जुलाई के दिन ही नए लोग अपना पद संभालते हैं। इस वर्ष इनर व्हील की अध्यक्षा संजना जोसेफ एवं सचिव रूबी सिन्हा नियुक्त हुई हैं। इसके अलावा आज डैफोडिल पब्लिक स्कूल में बच्चों को अध्यक्षा द्वारा पौधे दिए गए एवं उन्हें पौधारोपण के लिए अग्रसर किया गया। इसके साथ ही आज मुक्तिधाम में भी 100 पौधारोपण एवं वितरण किया गया है। वहीं इस मौके पर क्लब की अध्यक्षा संजना जोसेफ ने सभी को सर्वप्रथम डॉक्टर्स डे की बधाई दी एवं कहा कि इस वर्ष का उनका डिस्ट्रिक्ट गोल वी केयर है, जिसके तहत वह वर्ष भर सभी क्लब मेंबर के सहायता से जनकल्याण के हित में कार्य करते रहेंगे। वहीं आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में इनर व्हील की महिला डॉक्टरों को पौधा देकर सम्मानित किया गया। वहीं सचिव रूबी सिन्हा ने सभी डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए कहा कि कोरोना काल में डॉक्टर अपनी जान की परवाह न करते हुए पेशेंट का इलाज कर रहे थे, उनका यह योगदान अतुलनीय है। उन्होंने सभी से निवेदन किया कि सिर्फ आज के दिन ही नहीं प्रत्येक दिन अपने समाज के डॉक्टर का सम्मान कीजिए। इस दौरान क्लब पीपी नीरजा कुमारी को सीसीसी के पद पर नियुक्त कर पीपी मीरा कुमारी के द्वारा पिन पहनाया गया। डैफोडिल पब्लिक स्कूल के निर्देशक रविचंद्र कुमार ने भी इनर व्हील के सेमिनार के लिए अपना हर्षोल्लास व्यक्त किया। मौके पर आईपीपी मंजू प्रकाश, वाइस प्रेसिडेंट रश्मि दास, ट्रेजर रश्मि रानी, आईएसओ शोभा रानी, एडिटर अमिता रानी, डॉक्टर ममता कौशाम्बी, डॉक्टर हेना समायम, पीपी शिवानी नंदिनी, पीपी मधुकंचन, सुधा गुप्ता, किरण, अंजू प्रकाश, पूनम कुमारी, नीतू कुमारी आदि मौजूद थे। नया सत्र का शुरुआत हेल्थी फूड के बारे में एक तो सेमिनार करवा दिया गया है। डॉक्टर चिन्मय देव था हमारा रिसोर्स पर्सन, उसी में इनर व्हील का बहुत सारे सदस्य भाग लिया। उन लोगों ने बच्चा लोगों के लिए हेल्थी फूड के बारे में बहुत अच्छा से बताया। उसी के साथ ही साथ हम लोगों ने डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया और बच्चा लोगों के बीच में मेडिसिनल प्लांट्स का वितरण किया गया, लाइक तुलसी और कड़ी पत्ता का। और हम लोगों ने हमारे इधर भी गार्डन है मुफ्तीदा, वहाँ पौधा रोपण का काम भी कर दिया गया। इस अवसर पर डॉक्टर्स डे के अवसर पर शहर के सभी डॉक्टर लोगों को मेरे और इनर भी कब का ओर से बहुत बहुत बधाई और हैप्पी डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे है क्या, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। तो डॉक्टर विधान चंद्र राय जो एक डॉक्टर थे, उनका जन्म पटना में हुआ था। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि उनका जन्म पटना में बिहार में हुआ था और 1 जुलाई को हुआ था और संयोग से 1 जुलाई को ही उनकी डेथ भी हुई थी। उनका डेथ हुआ कोलकाता में हुआ था। तो वो एक बहुत बड़े फिजिशियन थे, फ्रीडम फाइटर थे, सोशल वर्कर थे, पॉलिटिशियन थे। वो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बने और 14 साल तक वो चीफ मिनिस्टर रहे और उनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और उन्होंने हेल्थ फील्ड में बहुत बड़े बड़े काम किए, चित्रंजन सेवा सदन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन की शुरुआत की और उसके अलावा उनकी याद में डीसी राज नेशनल अवार्ड को शुरू किया गया। और आज डॉक्टर्स डे मनाने का एक पर्पस ये है कि सोसाइटी में डॉक्टर्स की क्या अहमियत है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसको भी लोगों को बताना है कि डॉक्टर सोसाइटी के लिए कितना काम करते हैं, इतने अपना कितना टाइम देते हैं, अपने जरूरी काम जो और भी जिनका फैमिली के लिए रहता है उसको छोड़ करके सोसाइटी की सेवा में लगे रहते हैं। अभी जैसे कोविड आया तो उन्होंने